सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महादेव। क्रिएटिव एक्शन में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक, इधर देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का एक चिली कटिंग मशीन। तो फ्रेंड्स, ये जो हम चिली कटिंग मशीन बनाएंगे, ये बहुत ही चीप प्राइस में बनके तैयार हो जाएगा दोस्तों। 20-30 रुपए के आसपास में ये बनके तैयार हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से चिली कटिंग करेगा, बहुत ही साइज के साथ और बहुत ही फ्रेश भी के साथ। अगर दोस्तों आप लोग जो वेजिटेबल में चिली का यूज करते हैं, उसे आपको कैंची या फिर हमारा जो चाकू होता है उसके सहायता से काटने की भी कोई जरूरत नहीं। और ये जो हमारा स्विच है, इसको ऑन करते कुछ इस प्रकार का देख सकते हो ऑन होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि फ्रेंड्स इसी तरह का वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें चाहिए एक प्लास्टिक का जार। दोस्तों देख सकते हो, इसको मैंने मार्केट से परचेस किया 10 रुपये में। आप जितना बड़ा यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो, वो आपका मर्जी है। दोस्तों मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो दोस्तों देख सकते हो, इसका जो ढक्कन है इस जार का, इसमें हम होल करेंगे इसका बीच में। तो चलिए मैं यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन की सहायता से होल कर लूँगा। अगर आप चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर कोई नुकीली चीज़ की सहायता से या फिर कांची की सहायता से यहाँ पे होल कर सकते हो, ड्रिल की सहायता से भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, यहाँ पे मैं डीसी मोटर का यूज़ करूँगा। दोस्तों ये जो हमारा मोटर है, ये 3.7 वोल्ट का मोटर है। ये आपको मार्केट में 10 रुपये में मिल जाएगा इलेक्ट्रिक शॉप में। तो चलिए इसका जो होल है और इस मोटर का जो शाफ्ट है, उसको कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। और दोस्तों ये जो मोटर है, इसको हम ग्लू गन की सहायता से अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो चलिए इधर हम ग्लू गन की सहायता से अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रखा हूँ, आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहे किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, इसको मैंने चिपक दिया। चलिए उसके बाद दोस्तों, इसका जो पावर सप्लाई, वो पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पर हम 3.7 वोल्ट का बैटरी यूज़ करेंगे। और दोस्तों आप चाहते हो तो यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी, जो कोई भी बैटरी यूज़ कर सकते हो, या फिर मोबाइल का जो चार्जर होता है उसका भी यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों इस मोटर के साइड में हम हमारा जो बैटरी था उसको चिपक देंगे। तो चलिए दोस्तों, इधर ग्लू गन की सहायता से चिपक देंगे। तो मैं यहाँ पे ग्लू दे रहा हूँ और उसके बाद इसको चिपक देंगे इसको जिस प्रकार से। तो दोस्तों देख सकते हो, इधर ये हमारा जो बैटरी है वो चिपक चुका है। तो चलिए इसका कनेक्शन पर चलते हैं। नेगेटिव वायर को मोटर की कोई भी एक वायर पर सोल्डिंग पिन में सोल्डिंग कर देंगे, और पॉजिटिव का जो वायर है उसको खाली रखेंगे। इधर हमें एक स्विच लगाना है, तो मैं यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच यूज़ करूँगा। आप चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पे SPST स्विच का भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए स्विच को पहले इधर ग्लू गन की सहायता से चिपक देंगे बैटरी के साइड में कुछ इस प्रकार से। तो इधर तो हमने स्विच लगा दिया, तो चलिए आप पॉजिटिव का कनेक्शन कर लेते हैं। स्विच की कोई भी एक पिन में हमारा जो बैटरी का पॉजिटिव वायर है उसको लगा देंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से हम इधर सोल्डिंग कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों और एक वायर लेंगे, जो हमारा हमारा जो मोटर का पॉजिटिव पिन है और हमारा जो स्विच का एक पिन, उस दोनों को एक साथ में शॉर्ट कर देंगे, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसका जो कनेक्शन। तो चलिए इधर कर लेते हैं। और दोस्तों इधर चाहते हो तो दोस्तों आप चार्जिंग मॉड्यूल भी लगा सकते हो। दोस्तों चार्जिंग मॉड्यूल किस तरीके से इधर कनेक्शन करना है वो बहुत ईजी है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं यहाँ पर चार्जिंग मॉड्यूल नहीं लगा रहा हूँ, नहीं तो दोस्तों आपका जो हमारा जो वीडियो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, इधर मैं पॉजिटिव वायर का कनेक्शन कर रहा हूँ। तो चलिए मोटर में भी लगा देते हैं। तो दोस्तों देखिए, कुछ इस प्रकार से हमने मोटर में भी अच्छी तरीके से सोल्डिंग आयरन की सहायता से इसको फिक्स कर दिया है। तो फ्रेंड्स हमारा जो इसका कनेक्शन था वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। हमारा स्विच को ऑन करते हैं, हमारा मोटर चालू हो जाएगा। अब चाहिए दोस्तों हमारा एक ब्लेड। दोस्तों मैं यहाँ पर नया ब्लेड का यूज़ करूँगा, क्योंकि दोस्तों हमारा जो पुराने ब्लेड होता है उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होता है। मैं दोस्तों इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो दोस्तों मैं नया ब्लेड का ही यूज़ करूँगा। तो दोस्तों हमारा जो ब्लेड है उसमें हम फेविक्विक देंगे। और दोस्तों ये वाला जो रेड वाला जो चीज़ है, ये हमारा सिम कार्ड का टुकड़ा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो आप कोई भी प्लास्टिक का टुकड़े को यूज़ कर सकते हो। इधर हम फेविक्विक की सहायता से इसको चिपक दिए है। और इसका जो बीज है उसमें हम मोटर का शाफ्ट को अटैच करेंगे। तो चलिए इसमें ग्लू दे देते हैं, इसका जो बीज का जो हिस्सा है। तो मैं यहाँ पे फेविक्विक दे दिया। और उसके बाद दोस्तों इधर हम रिफिल का यूज़ करेंगे।
तो दोस्तों रिफ़िल सभी के पास होता है, तो चलिए रिफ़िल का एक टुकड़े को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और हमारा जो इसका बीच का पॉइंट है उसमें रख देंगे कुछ इस प्रकार से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा रिफ़िल का टुकड़ा है कुछ इस प्रकार से बन के तैयार हो चुका है, चिपक चुका है, मोस्टली चिपक जाएगा। तो चलिए इधर ग्लू गन के साथ से थोड़ा सा ग्लू भी दे देंगे ताकि दोस्तों ये जो हमारा शाफ्ट है ये बहुत ही अच्छी तरीके से रहे। और दोस्तों रिफ़िल का दूसरे मुंह में भी थोड़ा सा ग्लू देंगे ताकि दोस्तों हमारा जो रिफ़िल है वो अच्छे से मोटर के शाफ्ट के साथ अटैच होकर रहे। ये जब घूमेगा तो दोस्तों ये हमारा टाइट के साथ घूमेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये अच्छे से रेडी हो चुका है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ब्लेड है कुछ इस प्रकार से घूमेगा, तो इधर हमें होल करना है, देखिए कुछ इस प्रकार से। तो चलिए इधर सोल्डरिंग आयरन की सहायता से ही होल कर देंगे। दोस्तों आप ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा, हमारा जो चिली होता है उसका साइज का बराबर ही कर दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो आप। तो फ्रेंड्स देखिए इधर हमने होल कर दिया है। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है हमारा चिली कटिंग मशीन बन के तैयार हो चुका है और इसका जो लुक है कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस में बन के तैयार हो जाएगा और होममेड है, आप चाहो तो घर पर यूज़ कर सकते हो, आपके मम्मी पापा मम्मी को दे सकते हो, जो लोग घर के खाना पकाते हैं उसका ये बहुत काम में आएगा। और दोस्तों देखिए मैं इधर चिली ले रहा हूँ 3। दोस्तों मैं यहाँ पे ज़्यादा चिली को आपको काट के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि दोस्तों मेरे घर पे 3 चिली यूज़ होगा, तो मैं ज़्यादा कुछ वेस्ट करना नहीं चाहता। तो चलिए मैं इसको काट के आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से वर्क करता है। तो चलिए इसका स्विच को ऑन करते हैं। दोस्तों ये हमारा ऑन हो चुका है। अब दोस्तों हम धीरे धीरे चिली को कुछ इस प्रकार से अंदर के साइड में रखेंगे और देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे से ये जो चिली है कटिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कुछ इस प्रकार से और बहुत ही दोस्तों साइज के साथ बहुत ही पतले पतले हो रहा है, ठीक है ना। आप इधर चिली को धीरे धीरे अंदर की तरफ रखेंगे और ये हमारा जो मशीन है हम हर चिली को कटिंग कर देगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि दोस्तों आपका लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलता है दूसरा वीडियो बनाने में, ठीक है ना। तो देख सकते हो एक चिली तो कटिंग हो गया है, दूसरा चिली को भी कटिंग कर देंगे। तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इसको भी कटिंग कर देंगे और दोस्तों बहुत ही फास्टली के साथ होता है। तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमारा जो ये मशीन है ये कटिंग कर रहे हैं। और दोस्तों इधर हमारा जो इस आप जो घर पे कांची से कांची या फिर हमारा जो चाकू होता है उसके साथ से भी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर पे बना सकते हो। और दोस्तों आपका जो घर के जो मम्मी होता है औरत होता है उसको भी आप बना के दे सकते हो कि दोस्तों ये जो मशीन है वो उनका बहुत ज़्यादा काम में आएगा। दोस्तों इसी तरीके से आप अगर आपको बनाना है दोस्तों मेरा ये वीडियो को आप अच्छे से देखिए और बना अपने घर पे बनाए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो देखिए कुछ इस प्रकार से कटिंग हो गया। तो मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ किस प्रकार से हमारा जो चिली है कटिंग होगा। तो दोस्तों देखिए मेरा आँख में पानी आ गया, बहुत ज़्यादा दिखा है देखिए। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आप सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों मुझे प्यार मिलेगा और दोस्तों आपका प्यार से हमें मोटिवेट मिलता है दूसरा वीडियो बनाने में। तो चलो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।